हमारी संस्कृति उत्सव प्रधान संस्कृति है और हर त्यौहार पर्व से हमको जीवन के विविध रहस्यों से परिचय भी आता है और आनंद में डूबने का मौका भी मिलता है। सच्चे अर्थ में दीपावली तो किसानों की दिवाली है। भारत कृषि प्रधान देश है, ऐसे में हमारे अपने सह अस्तित्व की भावना का सर्वोच्च प्रमाण है ये हमारी गोमाताओं के साथ हमारे संबंधों की व्याख्या। जैसे वेद वाक्यों में कहा गया, गावो विश्वस्य मातरः है, हमारी माँ से हमारा जन्म होता है, लेकिन ये चरार्थ जगत की जननी अगर कोई है तो वो गोमाता है। गोमाता के जीवन से भारत की उन्नति, प्रगति, इतिहास सदैव गौरवान्वित होता आया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। आर्थिक रूप से प्रगति का भी अगर कोई बैकबोन के नाते से कोई व्यवसाय है तो वो हमारा दूध व्यवसाय है, गौ माता की सेवा है, गोवंश से भारत की पहचान है। ऐसे में हमारे यहाँ गीता, गंगा, गोवर्धन से ही जुड़ी हुई गौ माता का इतिहास है। भगवान कृष्ण को भी गोपाल की संज्ञा सर्वाधिक प्रिय लगती थी, उससे ही वो गिरधर भी कहलाए और उसी से वो मुरलीधर भी कहलाए। इसलिए भगवान कृष्ण के उस अतीत काल से लगा करके भगवान श्री राम का हमारे सभी ऋषि मुनियों ने सदैव गो पूजन पे ही जोर दिया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। मध्य प्रदेश सरकार गोवंश के संरक्षण के लिए बड़ा काम कर रही है। 2019 की जनगणना में 1,39,00,000 से ज़्यादा हमारे पास गोवंश है, जो भारत में जनगणना की दृष्टि से गोवंश की गणना में 3rd नंबर पर है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ गोवंश का ये जो क्रम है नंबर 1 पे आए, जो गौशालाएँ हैं उन गौशालाओं की संख्या बढ़े, गौशालाओं के अनुदान हम बढ़ा रहे हैं, छाया की, पीने के पानी के सारे प्रबंध करके, खास करके किसानों की आय बढ़ाने में गोवंश का सबसे बड़ा योगदान है। इसलिए गोपालन को बढ़ावा देना, ये पशुपालन कल्याण मंत्रालय के माध्यम से हम लगे हैं और मुझे इस बात का संतोष है कि सरकार इस मामले में गंभीर भी और ठोस कदम उठा रही है। मेरी अपनी ओर से गोवर्धन पूजा के इस अवसर पर मैंने अपने घर में पूजा की है, अब सास की पूजा करने जा रहा हूँ। उसके बाद विजयपुर में सभी मित्रों के साथ में गोरस वो स्थान है जहाँ ऐसा कहते हैं कि भगवान कृष्ण भी गुआ चराने मथुरा से मुरैना के उस विजयपुर शिवपुर के बेल्ट में गोरस तक आते थे। उसकी स्मृति में आज भी हजारों गोवंश गिर नस्ल का वहाँ मिलता है। कई सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगी इसी बात के लिए समर्पित की है। ऐसे बंधुओं के बीच जाकर आप मैं अपना कुछ समय बांटूंगा और गौ माता के प्रति अपना आदर भाव प्रकट करूंगा। हमने प्रयास किया कि हमारे सभी नगर निगम में बड़ी बड़ी गौशाला बने, इसलिए पहले साल में हमने उज्जैन, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर इन पर ध्यान दिया। ग्वालियर में 9,000 से ज़्यादा गौ माताएँ हमारी वहाँ है और इस समय हमने खास ध्यान दिया कि गोवंश को पालने में केवल हमारे शासकीय कर्मी नहीं रहेंगे, इसमें संत समाज का भी योगदान लेंगे, उनका मार्गदर्शन भी लगेगा। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि संत समाज के आशीर्वाद से हमारी सभी गौशालाएँ आज बहुत आनंद से और गौ माताओं के संरक्षण के लिए बहुत ठोस काम कर रही है। मेरी अपनी ओर से गोवर्धन पूजा, दीपावली सबकी बधाई।